की मुहिम के अंतर्गत ये चमन विहार के पास लोग लंच में बैठे इकट्ठे तिरंगा ले जाते हुए अपने हाथों में तिरंगा रैली भी निकली है शायद कल दिल्ली में। ऐसा लग रहा है आज यहाँ तिरंगा रैली निकल सकती है। और ये हॉटस्पॉट अंदर टेम्पो जो कि घंटाघर साइड से आते हैं पलटन बाजार तहसील चौक आते जाते वीर महाराज, ये आपका वेडिंग पॉइंट मधुर मिलन। ये देखिए झंडे तैयार हैं, सब बन रहे हैं, झंडे लगे हैं, झंडों की रैली की तैयारी। ये देखिए मधुर मिलन के पास, हो सकता है मधुर मिलन का जो कार्यकर्ता हैं वो हो सकते हैं वर्कर्स। जय बाबा नीम करोली, बाबा के हद की कृपा के कारण ये भी दृश्य मिला। श्रीराम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग रास्ता स्टेशन को जा रहा है आपका, इस जगह पे ये बोर्ड भी लगा है वीर महाराज जाते हुए। ये देखिए वीर महाराज सेला कोई देहरादून प्रेमनगर ISBT टूरिस्ट वीकेंड की मुहिम जो कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चल रही है। अभी वैसे बहुत ज़्यादा इसका उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा, थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है। अभी एक जगह कुछ झंडे लेके लोग अपना खड़े थे। ये कृषि उत्पादन मंडी समिति, नवीन फन मंडी, निरंजनपुर देहरादून, तरफ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता, ये मेन गेट मंडी कृषि उत्पादन मंडी समिति की तरफ से आता हुआ गाड़ियाँ। इस समय तो केवल फल मंडी दिखाई पड़ रही है। देखिए घर आए हुए ये धर्म कांत फल की दुकान मंडी समिति में, आम की कंडीशन तो बहुत अच्छी नहीं है। ये सीन ये सब सब्जी मंडी का अंदर का सीन, ग्राहक बिल्कुल नहीं के बराबर आज, बाहर निकलने का रास्ता, कुदाल उदाल बेचने के लिए मेरे पास आते हुए। लाल कद्दू कैसे भैया? फल की दुकानें देखिए अंदर, इस समय केवल फल ही फल दिखाई पड़ रहा, ऊपर सामने चील वितरण करते हुए फेमस प्लांट के सामने ये मंडी, फल मंडी सब्जी मंडी। तिरंगा मुहिम में देखे तिरंगे लगे हुए दुकानों में, झंडे दिखते हुए राजपुर यहाँ से 13 किलोमीटर, गाड़ी के बाएँ जाके 10 किलोमीटर। ये वाइसराय इन फेमस ISBT रेलवे स्टेशन के रास्ते पे, रेलवे स्टेशन माने गाड़ी आपका जो है घंटाघर तहसील चौक और परेड ग्राउंड सुलभ शौचालय, श्री स्वर्गापुरी देवी मंदिर निरंजनपुर स्वर्गापुरी मंदिर में ये दादा की समाधि भी हो सकती है। यहाँ पे श्री सीताराम जी की मूर्ति 2011 में लगी। शनिदेव का मंदिर, ओम राम प्रीम तोम स शनिये नमः, राम प्रीम तोम स शनिश्चराय नमः, जय बाबा संदेव, जय संदेव। मांस मंदिर की तरह बना हुआ है ये गुम्बद ही गुम्बद, शिखर के दर्शन सभी के सबसे पहले प्रथम पूजी बने।
बगल में राम दरबार, श्री हनुमान जी का विग्रह, जय बजरंगबली, जय राधा, हनुमते नमः, राम सीताराम। बहुत ही बढ़िया दर्शन माता शाकंभरी देवी। श्री सौदापुरी जो कि निरंजनपुर मंदिर समिति के पास है, बहुत ही बढ़िया श्री बांके बिहारी खाटू श्याम बाबा अभी तरफ का मेन रोड का सीन जो इधर लेफ्ट जा रही है सीधे घंटाघर तहसील चौक और परेड ग्राउंड की तरफ कल्तन मजार और ये विशाल पीपल का पेड़ पिपला देवनमा पीठ प्राचीन सरदापुरी देवी जो है प्राचीन पीपल का पेड़ बहुत विशाल शाखाएं आप देख के लगा सकते हैं अंदाजा कितना पुराना होगा और उसकी सिद्धि कितनी होगी। क्षमा करते हुए ये धोनी और ये श्री दरबार वहाँ पेड़ के नीचे और ये पूरी परिक्रमा करते हुए पुराना है ये सब काफ़ी पहले से चल रहा है। श्री शिवाय नमस्ते धन ये भैरव बाबा पूरा एक इसका इसकी परिक्रमा श्री शिवाय नमस्ते धन ये आपके शिवलिंग के दर्शन पुजारी। ये पेड़ विशाल वृक्ष जिसकी छाया में ये मंदिर है स्वर्गापुरी मंदिर निरंजनपुर सब्जी मंडी के पास सूर्यदेव सूर्यास्त के पहले दर्शन देते हुए और महाकाल की प्रेरणा की वजह से आज यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये दुकान है फूल और गेट मंडी समिति कृषि उत्पादन मंडी समिति नवीन मंडी स्थल निरंजनपुर देहरादून सिग्नल वाला चौराहा बस स्टैंड सीधे यहाँ से और इधर बाएं जाएंगे तो वसंत विहार और ट्रेन ट्रेन पड़ेगा। ये देखिए विक्रम ऑटो जाती हुई इधर की तरफ। आज़ादी का अमृत महोत्सव 13 से 15 अगस्त 22 हर घर तिरंगा लहराएं ये हमारी पहचान। रॉयल भारती टावर होता हुआ V2 कार्ड मैंने वैल्यू एंड वैरायटी सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ ये मार्केट प्लेस।